ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत दौरे पर है। शनिवार यानी 16 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गर्मजोशी से राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनकी 3 दिवसीय यात्रा से भारत ओमान के बीच की मित्रता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ओमान अरब दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है, जिसके सुल्तान तारिक पहली बार भारत के दौरे पर है। सुल्तान तारिक अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को अक्सर चर्चा में रहते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुल्तान तारिक कौन है और वह कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं। 68 साल के हैथम बिन तारिक अरब देश ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं। हैथम कबूस बिन सैयद के चचेरे भाई हैं, जो उनसे पहले ओमान के सुल्तान थे। साल 2020 में सैयद का निधन हो गया, जिसके बाद हैथम ओमान के सुल्तान बने। कबूस ने अपनी वसीयत में हैथम को अपना उत्तराधिकारी बताया था, जिसके बाद उन्हें ओमान का सुल्तान बनाया गया। सुल्तान हैथम बिन तारिक ओमान में 6 विशाल महलों के मालिक हैं। उनके विशाल महलों में 200 साल पुराना महल अल आलम पैलेस भी शामिल है। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि टूरिस्ट भी इसके सामने के गेट पर फोटो खिंचवाने पहुंचते हैं। महल के मैदान में एक पूल, स्पा और दीवारों वाले शानदार गार्डन के साथ एक गेस्ट के लिए विला भी है। इसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। इस महल में इंग्लैंड की रानी, किंग चार्ल्स, डचेस ऑफ कॉर्नवेल और नीदरलैंड की रानी जैसे राजाओं की मेजबानी की है। शाही परिवार के पास इंग्लैंड में लग्जरी पैलेस है। स्टैफोर्डशायर में 14 एकड़ के हेसेलोर हाउस पैलेस है। डर्बीशायर फ्लैंग स्टोर फ्लोर वाला 7 बेडरूम वाला पैलेस भी है। ओमान की रॉयल फ्लाइट में शाही इस्तेमाल के लिए 7 सरकारी विमान है। रॉयल फैमिली के पास 3 बोइंग 747 विमान है, जिनकी कीमत 13,900 करोड़ रुपए है। रॉयल फैमिली के पास 1,744 करोड़ रुपए कीमत के 2 एयरबस A320S जैसे अत्याधुनिक प्राइवेट जेट भी हैं। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम G550, लॉकहीड मार्टिन C-130, सुपर हरक्यूलिस जहाज और $27 मिलियन कीमत के यूरोकॉप्टर EC-225 सुपर प्यूमा 2 और यूरोकॉप्टर AS-550 फेनिक जैसे हेलीकॉप्टर भी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। ओमान के सुल्तान के पास $600 मिलियन यानी करीब 4,983 करोड़ रुपए की याट है, जो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी याट है। इस याट का नाम है अल सलामा, जिसे शांति का जहाज भी कहा जाता है। ये यॉट 522 फीट लंबी है। यॉट में 538 वर्ग फीट का अलीशान कमरा है और एक अलग से 431 वर्ग फुट का ड्रेसिंग रूम भी है। इसके अंदर स्वीट में एक सैलून और एक हॉट टब के साथ साथ एक अटैच बाथरूम भी है। सुल्तान तारिक के पास एक दूसरी यॉट भी है, जिसका नाम है अल सैद यॉट। ये 508 फीट लंबी है, जिसके 6 डॉक में 26 केबिन है, जिनमें 70 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था है। ओमान के सुल्तान के भारत पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, उनके दौरे से भारत और ओमान के संबंधों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और दोस्ती को प्रगाढ़ करने में भी यह दौरा बेहद कारगर साबित होगा। बता दें कि मौजूदा समय में ओमान में 673,789 भारतीय रहते हैं, जिनमें 568,314 वर्कर वीजा होल्डर शामिल हैं। ओमान में कुछ भारतीय परिवार करीब 200 सालों से रह रहे हैं। जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक 1,797 भारतीय मूल के लोगों के पास ओमानी नागरिकता है। हजारों भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, नर्स और समेत कई प्रोफेशनल ओमान में काम कर रहे हैं।